नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है। आशा करते हैं आपकी कंपटीशन की तैयारी कंटिन्यू होगी और उसी प्रोसेस में हम मैथ में एवरेज चैप्टर को सीख रहे हैं। हमने अभी तक एवरेज के बेसिक और इम्पॉर्टेंट बातें सभी सीख ली हैं और हमने उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर रखे हैं। आशा करते हैं वो सभी क्वेश्चन आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे आने वाले एग्जामों में लगा सकते हैं। तो चलिए उसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखते हैं एवरेज के बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तो सभी लोग अपने अपनी पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए, आपके सामने आता हुआ आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आशा करते हैं आप सभी लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है। आपको एवरेज का एक बेसिक लाइन मालूम है क्या? आपको मालूम है कि औसत में संख्याओं का गुणा करने से क्या निकलता है? आप बोलोगे योगफल। आपको मालूम है कि औसत में संख्याओं का गुणा करने से क्या निकलता है? योगफल। तो चलिए इसी लाइन से स्टार्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा है क्लास में 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि उसमें एक विद्यार्थी और शामिल कर लिया जाए तो कह रहा औसत आयु एक वर्ष बढ़ जाती है। तो पूछ रहा है आने वाले की आयु क्या है। आइए पहले इसका बेसिक लगाते हैं, उसके बाद सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करें। देखो उसने बोला है कि 14 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो कह रहा 20 वर्ष है। कह रहा है यदि उसमें एक विद्यार्थी और शामिल कर लिया जाए। अच्छा एक बात बताइए, 14 लोग थे, अगर एक विद्यार्थी और आ जाएगा लोग कितने हो जाएंगे? 15। तो कह रहा औसत आयु एक वर्ष बढ़ जाती है, तो पहले 20 थी, एक बढ़ गई कितनी हो गई? 21। यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो चलिए आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है कि औसत में संख्याओं का गुणा करने से क्या निकलता है? आप बोलोगे योगफल। तो कर दीजिए। उसने बोला है 14 लोगों की औसत आयु 20 वर्ष है। जब 14 लोगों की औसत आयु 20 वर्ष है तो कुल आयु कितनी होगी? 14 × 20। तो 14 × 20 बराबर कितना हो जाएगा? 280। यही तो होगा, यानी जो 14 लोग हैं उन 14 लोगों की जो कुल आयु है वो है 280 साल। उसमें कह रहा है जब एक आ गया तो लोग हो गए 15। कह रहा औसत आयु एक वर्ष बढ़ गई यानी कि 21 हो गई। अगर 15 लोगों की औसत आयु 21 वर्ष है तो कुल आयु कितनी हो गई है? पता है, औसत में संख्याओं का गुणा कर दो। तो जब करेंगे तो 15 × 1 = 15 कितना बच्चा? 1, और 15 × 2 = 30 और 1 = 31। यही तो होगा। तो देखिएगा ये है 15 लोगों कुल आयु है 315 और 14 लोगों कुल आयु है 280। अगर हम एक काम करें क्या, अगर एक काम करें कि 15 में से 14 घटा दो। अच्छा बात बताइए, 15 में 14 घटाएंगे कितना व्यक्ति बचेगा? 1। और ये 1 व्यक्ति कौन बचा? जो बाद में आया है। तो उसी हिसाब से इस 315 में इस 280 घटा दे। अगर इस 315 में 280 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35। सही है। कहने का मतलब आने वाले विद्यार्थी की जो आयु है वो आयु कितनी आ गई? 35 साल। लेकिन ये हमारा बेसिक था, बेसिक हमें आना चाहिए, लेकिन इस बेसिक को हम एग्जाम हॉल पे नहीं लगा सकते हैं। तो आइए तैयार होते हुए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम एग्जाम हॉल में कैसे ही देखते हुए आंसर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहे जाते हैं। तो आइए मिलते हैं कि इस क्वेश्चन को हम एग्जाम हॉल में किस प्रकार से देखते ही आंसर बताएंगे, आइए देखते हैं। उसे बोला है कि एक क्लास में 14 विद्यार्थियों की औसत आयु कह रहा 20 वर्ष है। कह रहा जब एक विद्यार्थी शामिल हो गया तो कह रहा औसत आयु एक वर्ष बढ़ जाती है। तो पूछ रहा बताओ आने वाले की आयु क्या है। इसका थोड़ा बेसिक देखते हैं क्या है। उसे बोला है जब एक व्यक्ति आया तो कह रहा औसत आयु एक वर्ष बढ़ गई। यहां सुनिएगा, औसत आयु एक साल बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस कंपनी, उस ग्रुप, उस क्लास में जितने भी लोग थे सबकी आयु एक 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 साल बढ़ेगी। औसत आयु बढ़ जाती, इसका मतलब है उस क्लास, उस ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं सभी के साथ वही होता है जो एक व्यक्ति के साथ होता है। तो चलिए देखते हैं अब इन प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे आसानी से लगा सकते हैं। जैसे उसने बोला कि एक व्यक्ति के आने से औसत आयु एक वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि जब एक व्यक्ति की आयु एक साल बढ़ती है, जब एक व्यक्ति की आयु एक साल बढ़ती है तो हमारे व्यक्ति कितने थे? आप बोलोगे 14। जब एक व्यक्ति की आयु एक साल बढ़ती है तो 14 लोगों की आयु कितनी बढ़ जाएगी? 14 × 1 = 14।
पहले आपकी आयु थी 20, उसमें हो गई एक साल की वृद्धि, तो 20 और 1 कितने हो गए 21, और इन दोनों को बड़े आराम से जोड़ दीजिए तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 35 साल। कहने का मतलब जो व्यक्ति आया है उस व्यक्ति की जो आयु है वो आयु कितनी निकल आई 35 साल। आइए एक बार और देखते हैं, बहुत ही आराम से इस बात को समझ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये छोटे से क्वेश्चन आप लोगों में से काफ़ी लोगों को आते हैं, जिनको आते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन करेगा और जिनको नहीं आते हैं वो बहुत ही आराम से इनको एक बार देख लीजिएगा और ये विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद इन क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। आइए देखते हैं हमने क्या किया। उसे बोला 14 लोगों की औसत आयु कह रहा 20 वर्ष थी, कह रहा जब एक व्यक्ति आया तो कह रहा औसत आयु 1 साल बढ़ गई, कह रहा एक व्यक्ति के आने से औसत आयु 1 साल बढ़ गई, जब एक व्यक्ति के आने से औसत आयु 1 साल बढ़ गई तुम्हारे व्यक्ति कितने थे 14, जब एक व्यक्ति के 1 साल बढ़ गई तो 14 कितनी बढ़ेगी 14 एकम 14, मतलब सीधे क्या किया 14 एकम 14, इन दोनों क्या कर दिया गुणा, पहले थे 20 उसमें हो गई 1 साल की वृद्धि तो 20 और 1 कितने हो गए 21, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और अपना जो राइट आंसर आ गया वो राइट आंसर कितना आ गया 35 साल। आशा करते हैं अब इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, तो चलिए इसी बात पर और अच्छे से अभ्यास करने के लिए देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा क्या है, अब इसी प्रकार से हमें लगाना है जल्दी जल्दी, और जिन लोगों को समझ में आ चुका है वो जल्दी आंसर भी बता सकते हैं, प्रयास कीजिएगा, वेरी गुड। उसे बोला एक कंपनी में 22 कर्मचारियों की औसत आयु कह रहा है 28 वर्ष है, कह रहा है एक व्यक्ति कर्मचारी और शामिल कर लिया जाए तो कह रहा औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो पूछे आने वाले कर्मचारी की आयु क्या है। जैसे उसने बोला है कि एक व्यक्ति के आने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी उस ग्रुप उस समूह में जितने भी लोग थे सबकी आयु 2-2 साल बढ़ेगी। अगर एक व्यक्ति की आयु 2 साल बढ़ती है तो 22 की कितनी बढ़ जाएगी 22 दूनी 44, यही तो होगी। उसके बाद पहले आपकी 28 थी उसमें होगी 2 साल की वृद्धि, तो 28 में 2 की वृद्धि होगी कितना हो जाएगा 30, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 74 साल। आशा करते हैं कि आप सभी का यही आंसर आया था, क्या किया कुछ नहीं किया, जैसे हमने देखा एक व्यक्ति के आने से 2 साल की वृद्धि है, औसत में 2 साल की वृद्धि का मतलब हुआ कि उस कंपनी में जितने भी लोग थे सबकी आयु में 2-2 साल की वृद्धि होगी, तो जब एक व्यक्ति में 2 साल तो 22 में कितनी हो गई 22 दूनी 44, और पहले था 28 उसमें 2 की वृद्धि हो गई तो 30 हो गया, और इन दोनों को ऐड करते हुए आंसर अपना कितना आ गया 74 साल। आशा करते हैं ये बात अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, तो अगर आपको ये बात आ चुकी है तो बहुत जल्दी से अपने माइंड में कैलकुलेट करते हुए हम बताएंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िएगा देखते हैं क्या है क्वेश्चन, जल्दी से आंसर, वेरी गुड, काफी लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहा वो कि एक समूह में, वो कह रहा है एक समूह में 27 लोगों का औसत वजन कह रहा 34 किलोग्राम है, कह रहा यदि एक व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, वो कह रहा है एक व्यक्ति के आने से औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, उसे पूछा है आने वाले व्यक्ति का वजन कितना है। अच्छा एक बात बताओ, जब एक व्यक्ति के आने से औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ता है, जब एक व्यक्ति का वजन 3 किलोग्राम बढ़ता है तुम्हारे व्यक्ति कितने हैं 27, जब एक व्यक्ति का वजन 3 किलोग्राम बढ़ता है तो 27 का कितना बढ़ेगा 27 या 81, यही तो बढ़ेगा। पहले था आपका 34 उसमें हो गई 3 की वृद्धि तो 34 और 3 कितने हो गए 37, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 11, तो कहने का मतलब जो व्यक्ति आया है उसका वजन कितना हो जाएगा 118 किलोग्राम। आशा करते हैं अब इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ये बेसिक क्वेश्चन की एक थीम होती है, ये 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अभी हम पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, अभी इस क्वेश्चन में हम हर एक क्वेश्चन में एक व्यक्ति को बुला रहे थे, अभी हम हर एक क्वेश्चन में एक व्यक्ति को बुला रहे थे, और जब हम ये बात को सीख चुके हैं तो हम क्या करेंगे, एग्जामिनर हमसे क्या करेगा, इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना चेंज करता है कि अभी हम हर क्वेश्चन में एक व्यक्ति को बुला रहे थे, अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर हमसे हर क्वेश्चन में एक व्यक्ति को हटाएगा, मतलब उस ग्रुप से हटा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन चेंज होता है तो किस प्रकार से चेंज होगा। आइए देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िएगा
पढ़िएगा और ये पता लगाइए क्वेश्चन चेंज हुआ है या सेम क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा उसने बोला है कि उसमें से एक कर्मचारी निकाल दिया जाए। ये देखो यहां निकाला गया है तो ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन चेंज होने पर हम अपने तरीके को नहीं बदलेंगे। आप जो सीख रहे हैं वो सबके लिए है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। उसी तरीके से करते हैं जैसे हमें करना आता है। हमने क्या किया, उसने बोला एक कंपनी में 15 कर्मचारियों की औसत आयु कह रहा 26 वर्ष है। कह रहा यदि उसमें से एक कर्मचारी निकाल दिया जाए तो औसत आयु कह रहा 1 वर्ष कम हो जाती है। तो पूछ रहा है निकाले गए कर्मचारी की आयु क्या है। सुनिएगा, उसे बोला जब एक व्यक्ति गया तो कह रहा औसत आयु 1 साल कम हो गई है। कह रहा जब एक व्यक्ति गया तो औसत आयु 1 साल कम हो गई है, यानी कि एक व्यक्ति के जाने से 1 साल की कमी होती है। अगर एक व्यक्ति के जाने से 1 साल की कमी हो रही है तो हमारी कंपनी में लोग कितने थे, 15। जब एक व्यक्ति की आयु 1 साल कम होती है तो 15 कितनी हो जाएगी, 15 एकम 15 इतनी तो होगी। पहले थी आपकी 26, उसमें हो गई 1 साल की कमी। तो अच्छा बताओ 26 में 1 की कमी होगी कितनी बचेगी, आप बोलोगे 25। और इन दोनों को ऐड कर दें और इन दोनों को ऐड करते ही अपना जो आंसर आ जाएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, 40 साल। कहने का मतलब जाने वाले व्यक्ति की जो आयु थी वो कैसी थी, 40 साल। आशा करते हैं उसी पैटर्न पर जो हमने ये क्वेश्चन लगाया है ये क्वेश्चन आप सभी को आ चुका होगा। और अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक भी लगा सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि औसत में संख्याओं का गुणा करने से क्या निकलता है, योगफल। तो चलिए अगर इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, तो अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो चलिए इसी पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए एक आपके सामने आता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्या कह रहा है वो पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्लास में 23 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है और यदि उसमें से एक विद्यार्थी निकाल दिया जाए। कह रहा 23 विद्यार्थियों की औसत आयु कह रहा 21 वर्ष है। कह रहा यदि एक विद्यार्थी निकाल दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। पूछा है निकाले जाने वाले विद्यार्थी की आयु क्या है। देखिएगा कह रहा जब एक व्यक्ति निकाला है तो कह रहा औसत आयु 1 साल कम हो जाती है। अच्छा एक बात होता है, जब एक व्यक्ति के जाने से औसत आयु 1 साल कम होती है, जब एक व्यक्ति के जाने से औसत आयु 1 साल कम होती है, तो जब एक व्यक्ति की आयु 1 साल कम होती है, तुम्हारे व्यक्ति कितने थे 23, तो जब एक व्यक्ति की आयु 1 साल कम होती है 23 की कितनी कम हो जाएगी, 23 साल, यही तो होगी। पहले थी आपकी 21 साल औसत आयु, उसमें हो गई 1 की कमी, तो 21 में 1 की कमी हो जाएगी कितना बचेगा, 20। और इन दोनों को ऐड कर देंगे और इन दोनों को ऐड करते ही अपना आंसर कितना आ जाएगा, 43 साल। आशा करते हैं अब इन बातों को, इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख भी चुके हैं और समझ भी चुके होंगे। कोई चेंजमेंट नहीं है। अगर इस जगह बाई चांस, अच्छा यहां तक सभी को आ चुका होगा, अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम ये कह देते 1 साल की जगह 2 साल की कमी कर देते, तो आप सीधे सीधे क्या करते, आप सीधे अगर यहां 2 साल की कमी हो जाती, अगर होती, नेक्स्ट का एग्जाम्पल है, अगर यहां 2 साल की कमी होती तो आप सीधे कर देते 23 दूनी 46 और पहले 21 सी 2 की कमी है तो 19 और इन दोनों को ऐड करके बता देते। आशा करते हैं अब इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम हॉल में आएगा तो आप उन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही आराम से बता सकते होंगे। तो बताइएगा ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए इसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए, अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हम पहले क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में एक व्यक्ति को बुला रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम हर एक क्वेश्चन में एक व्यक्ति को भगा रहे थे, पहले क्वेश्चन में एक व्यक्ति को हम बुला रहे थे, दूसरे क्वेश्चन में हम एक व्यक्ति को हटा रहे थे, अब इन दोनों का मर्ज करते हुए आपके सामने आता है एक तीसरा क्वेश्चन। तो देखिएगा अब आ चुका है आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आप ये पढ़िएगा ये क्वेश्चन क्या सेम है या अलग है क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन करे एक कक्षा में क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, उसमें से 17 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी रख लिया जाए तो कह रहा पूरी क्लास का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्वेश्चन चेंज है, क्या चेंज है सुनिएगा। अभी तक हर एक क्वेश्चन में हम एक व्यक्ति को बुला रहे थे या दूसरे क्वेश्चन में हम हर एक क्वेश्चन में एक व्यक्ति को हटा रहे थे, लेकिन ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें एक ही क्वेश्चन में पहले तो हमने एक व्यक्ति को निकाला और फिर उसी के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति को बुला लिया। देखते हैं ये मैथ का एक प्यारा सा क्वेश्चन किस प्रकार से लगाते हैं, आइए मिलते हैं। उसे बोला क्लास में कह रहा है 10 विद्यार्थी हैं,
कह रहा उसमें से 17 किलोग्राम का एक विद्यार्थी, कह रहा उसमें से 17 किलोग्राम का एक विद्यार्थी निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी रख लिया जाता है, जिससे पूरी कक्षा का औसत वजन, कह रहा 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है बताइए आने वाले विद्यार्थी का वजन क्या होगा। मतलब क्वेश्चन का सार ये है कि वो जाने वाले का वजन दे रहा है और आने वाले का वजन पूछ रहा है। और जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है शायद ये मैथ का सबसे आसान क्वेश्चन भी कहा जाता होगा। देखते हैं क्या करना है। उसे बोला है 10 विद्यार्थी थे, 17 किलोग्राम का एक विद्यार्थी निकाला तो बचे 9। उसके बाद एक विद्यार्थी को बुला लिया, तो जब एक विद्यार्थी को बुला लिया तो फिर से हमारे 10 हो गए। मतलब हमारे क्लास में 10 लोग थे और 10 लोग ही हैं। लेकिन इस पूरी घटना चक्र में क्या हुआ कि जब 17 किलोग्राम का गया और एक नया आया तो कह रहा औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो पूछ रहा है आने वाले का वजन क्या है। वो पूछ रहा है आने वाले का वजन क्या है, हमें नहीं मालूम आने वाले का वजन क्या होगा। लेकिन एक बात तो है कि जो व्यक्ति आया होगा, अच्छा आप बताइए जो व्यक्ति आया होगा उसका वजन आप बताओ इस 17 से कम होगा या ज्यादा। आप बताइए जो व्यक्ति आया होगा उसका वजन इस 17 से कम होगा या ज्यादा। आप बोलोगे ज्यादा। क्यों? क्योंकि औसत वजन बढ़ रहा है। औसत वजन बढ़ रहा है इसका मतलब जो आया उसका वजन ज्यादा होगा। ज्यादा होगा इसी प्लस का चिन्ह, कितना ज्यादा होगा। उसने बोला है औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है इसका मतलब ये है कि उस ग्रुप, उस समूह, उस कंपनी में जितने भी लोग थे सबका वजन 1-1 किलोग्राम बढ़ेगा। अगर एक व्यक्ति का वजन 1 किलोग्राम बढ़ता है तो 10 का कितना बढ़ जाएगा, 10 से कम 10। और इन दोनों को जोड़ देंगे और अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 27 किलोग्राम। वेरी गुड। कहने का मतलब जो व्यक्ति आया है उस व्यक्ति का जो वजन होगा वो वजन हमारा कितना हो जाएगा, 27 किलोग्राम। आशा करते हैं इस नई बात को भी हम सीखना प्रारंभ कर चुके हैं। तो चलिए इसी बात पर और अच्छे से अभ्यास करने के लिए आपके सामने लाते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन है, आप लगा भी सकते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक कंपनी के 18 लोग हैं, उसमें से कह रहा 48 किलोग्राम का एक व्यक्ति निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर जब एक नया व्यक्ति रखा जाता है तो पूरे समूह का औसत वजन, कह रहा 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है आने वाले का वजन क्या है। सुनिएगा, जो गया है उसका वजन 48 किलोग्राम है, जो आया उसका वजन पूछा गया है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए कि जो आया होगा उसका वजन इस 48 से, जो आया होगा उसका वजन इस 48 से कम होगा या ज्यादा। बोलिएगा कम होगा या ज्यादा। आप बोलोगे ज्यादा। क्यों? क्योंकि औसत वजन बढ़ रहा है इसी प्लस का चिन्ह, कितना ज्यादा होगा। उसे बोला औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब एक व्यक्ति का वजन 2 किलोग्राम बढ़ता है और हमारे व्यक्ति कितने हैं, 18। जब एक व्यक्ति का वजन 2 किलोग्राम बढ़ता है 18 कितना बढ़ जाएगा, 18 दूनी 36। बस इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 6 14, हासिल बच्चा 1 और 7 और 1 8। तो कहने का मतलब जो नया व्यक्ति आया है उस नए व्यक्ति का जो वजन होगा वो वजन कितना होगा, 84 किलोग्राम। आशा करते हैं यहाँ तक की बात आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। आई है या नहीं? वेरी गुड। तो अगर आपको यहाँ तक की बातें आ चुकी हैं तो थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। देखिएगा बदल चुका है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है एक कंपनी में 18 कर्मचारी हैं, उसमें से 88 किलोग्राम का एक व्यक्ति निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति रख लिया जाता है, जिससे कंपनी का औसत वजन, ये कह रहा है 2 किलोग्राम कम हो जाता है। यहाँ गौर करना, 2 किलोग्राम कम हो रहा है लेकिन आपके लिए कोई इशू नहीं है, आप समझ चुके होंगे क्या करना है। उसे बोला है 18 व्यक्ति है, उसमें से कह रहा 88 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला गया और उसके स्थान पर जब एक नया व्यक्ति रखा गया तो कह रहा औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो गया। मतलब एक व्यक्ति का वजन 2 किलोग्राम कम हो गया। वो पूछ रहा है आने वाले का वजन बताइए। तो अच्छा एक बात बताओ, आप जो व्यक्ति आया होगा उसका वजन इस 88 किलोग्राम से कम होगा या ज्यादा। बताइएगा जो व्यक्ति आया होगा उसका वजन इस 88 से कम होगा या ज्यादा। आप बोलोगे कम। क्यों? क्योंकि औसत वजन घट रहा है इसलिए कम होगा। तो माइनस का चिन्ह,
कितना कम होगा? उसे बोला जब एक व्यक्ति औसत वजन 2 किलोग्राम कम होता है, कहने का मतलब जब एक व्यक्ति का वजन 2 किलोग्राम कम होता है तुम्हारे व्यक्ति कितने हैं 18, जब एक का 2 किलोग्राम कम होता है 18 कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, यही तो होगा। बस इसको घटा लेंगे, 8 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 2, और 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 52, सही है। तो कहने का मतलब आने वाले व्यक्ति का जो वजन होने वाला है वो वजन कितना होने वाला है 52 किलोग्राम, सही है। आशा करते हैं यहाँ तक की हर बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी हैं तो चलिए इसी सफर में आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िए क्वेश्चन। अच्छा बताइए क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया? देखो कह रहा है 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, चलो ठीक है। कह रहा है यदि उसमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष थी उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति रखे गए हैं। मतलब क्वेश्चन सिर्फ इतना चेंज हुआ है क्या? अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम एक व्यक्ति को हटा रहे थे और एक व्यक्ति को बुला रहे थे। अभी तक हम क्या किए थे? एक व्यक्ति को हटाया था और एक व्यक्ति को बुलाया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में बस इतना चेंज हुआ है कि इस बार हमने 2 को हटाया है और 2 को बुलाया है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई परिवर्तन नहीं होना है। उसने बोला है 8 व्यक्तियों की कह रहा औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कब बढ़ती है? कह रहा जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है इनको हटा दिया जाता है और इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति रख लिए जाते हैं। तो पूछ रहा है कि दोनों नए पुरुषों की कुल आयु क्या होगी? वो पूछ रहा है आने वाले दोनों व्यक्तियों की कुल आयु क्या होगी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है अपने पहले जैसा ही, कैसे थोड़ा सा देखते हैं। उसे बोला है कि आने वाले दोनों की कुल आयु क्या होगी। वो पूछ रहा है आने वालों की कुल आयु क्या होगी। सुनिएगा, वो पूछ रहा है आने वालों की कुल आयु क्या होगी। अरे आने वालों की कुल आयु तो बात की बात, पहले आप ये बताओ कि जाने वालों की कुल आयु कितनी होगी। आप ये बताओ कि जाने वालों की कुल आयु कितनी होगी, तो आप बोलोगे 44 साल, यही तो होगी। तो बस अपना वही क्वेश्चन हो गया कि जो गए हैं उनकी आयु जो है वो है 44 साल। उसने पूछा जो आए हैं उनकी आयु बताइए। लेकिन इस घटना में क्या हुआ? कह रहा औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई, तो इसका मतलब जो आए होंगे उनका आयु इस 44 से कम होगा या ज्यादा। बताइए जो आए होंगे उनका आयु इस 44 से कम होगा या ज्यादा। आप बोलोगे ज्यादा, तो प्लस का चिन्ह। कितना ज्यादा होगा? जब एक व्यक्ति की आयु 2 साल बढ़ती है तो 8 की कितनी बढ़ जाएगी, 8 दूनी 16, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे, अच्छा बताओ इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर अपना कितना आ जाएगा 60 साल, वेरी गुड। तो कहने का मतलब जो 2 व्यक्ति आए हैं उन दोनों व्यक्तियों की कुल जो आयु निकल के आई वो कुल आयु कितनी आ गई 60 साल। आशा करते हैं इस बात को भी आप बहुत ही आराम से और अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। यहाँ एक पॉइंट और थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहां हमसे वो आने वाले दोनों व्यक्तियों की कुल आयु पूछेगा, तो कुल आयु हमने निकाल दी 60 साल। लेकिन अगर आप चाहें कि हम ये बता लें कि आने वाले दोनों व्यक्तियों की अलग अलग आयु बताओ, नहीं, इस क्वेश्चन में हम आने वाले दोनों व्यक्तियों की अलग अलग आयु नहीं बता सकते हैं। हाँ, यहां एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये पूछ सकता है कि आने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु क्या है। वो हमसे ये बुलवा सकता है कि आने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु क्या है। तो आपको मालूम है कि औसत कैसे निकलता है। औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्याओं की संख्या। अगर वो इसी क्वेश्चन में हमसे औसत पूछ लेता तो आंसर आप क्या बताते? तो हमारा जो आयु का योगफल निकला वो कितना निकला 60 बटे ये कितने लोगों की आयु है। आप बोलोगे 2 की, इसलिए 2 का भाग दे देते और हम बोलते आने वालों की जो औसत आयु है वो औसत आयु कितनी हो गई 30 साल। आशा करते हैं इस प्यारी सी और छोटी सी बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए इस बात पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए आपके सामने लाते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन थबिएगा, छोटी छोटी बातों को गौर करना होता है। और जब भी क्वेश्चन छोटे और बेसिक होते हैं तो वहां आपकी सतर्कता भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि गलतियां सरल क्वेश्चनों में बहुत ही आसानी से हो जाती हैं।
तो चलिए आप लोग लगाने का प्रयास भी कर सकते हैं। क्या दिया गया है? कह रहा है एक क्रिकेट टीम की 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। यहां गौर करिएगा, ये 2 महीने बढ़ती है। कब बढ़ती है? कह रहा जब 20 वर्ष और 22 वर्ष की 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी रखे जाते हैं। तो पूछ रहे आने वाले, तो क्या पूछा? तो पूछ रहा है आने वाले दोनों नए खिलाड़ियों की कुल आयु क्या होगी। तो पहले कुल निकाल लेते हैं, और इसने और पूछा है और औसत आयु क्या होगी, मतलब इसने दोनों चीजें पूछी हैं। तो चलिए लगाते हैं। उसने बोला है आने वालों की कुल आयु क्या होगी। अरे भाई साहब, आने वालों की कुल आयु क्या होगी ये तो बात की बात है, आने वालों की कुल आयु क्या होगी ये तो बात की बात है, पहले आप ये तो बताओ कि जाने वालों की कुल आयु क्या होगी। पहले आप ये तो बताओ कि जाने वालों की कुल आयु क्या होगी। तो आप बोलोगे 42 साल, यही तो बोलोगे। अच्छा एक बात बताओ, जो गए हैं उनकी आयु 42 साल है, तो अच्छा एक बात बताइए जो आए होंगे उनकी आयु इस 42 से कम होगी या ज्यादा। तो ऐसा देख के बताइए, जो आए होंगे उनकी आयु इस 42 से कम होगी या ज्यादा। आप बोलोगे ज्यादा। क्यों? क्योंकि औसत आयु बढ़ रही है। कितनी ज्यादा होगी? उसे बोला औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, मतलब एक व्यक्ति की आयु 2 महीने बढ़ती है। अच्छा एक बात बताइए, जब एक व्यक्ति की आयु 2 महीने बढ़ती है तो 11 व्यक्तियों की आयु कितनी बढ़ जाएगी? 11 दूनी 22। लेकिन रुकिएगा, हम इस 42 में 22 नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये साल हैं और ये महीने हैं, और साल में महीने नहीं जोड़ते हैं, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? हम क्या करेंगे, इस 22 महीने को साल में बदल देंगे। हम इस 22 महीने को साल में बदल रहे हैं, कैसे बदलेंगे? आप पता है एक साल में कितना महीना होता है? आप बोलोगे 12। तो अच्छा बताओ, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक साल में हो गए 12 महीने, और यहाँ 22 महीने है तो हमारे पास 10 महीने और बाकी रह गए। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि 1 साल 10 महीना। अब इनको जोड़ लेते हैं, 42 में ये 1 जुड़ जाएगा, तो 42 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 43 साल 10 महीना। तो कहने का मतलब आने वाले दोनों खिलाड़ियों की जो कुल आयु होगी वो कुल आयु कितनी होगी? 43 साल 10 महीना। आशा करते हैं ये कुल आयु आप सभी लोगों की आ चुकी होगी, मतलब आने वालों की जो कुल आयु होगी वो होगी 43 साल 10 महीने। उसने कुल तो पूछी थी, लेकिन उसी के साथ साथ हमसे पूछा उनकी औसत आयु क्या होगी। तो आपको पता है औसत कैसे निकलता है? औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो देखते हैं योगफल कितना है। योगफल है आपका 43 साल 10 महीने, और ये कितने लोगों का है? 2। तो 2 लोगों का है, इसलिए किसमें भाग दे देंगे? 2 का। आइए दे दीजिए भाग, थोड़ा सा आराम से देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये 21 बार पूरा गया, तो 21 साल हो गए। देखो लेकिन यार 2 एकम 2, 1 साल बाकी है। अब इस 1 साल को हम क्या करेंगे, इस महीने के पास ले जाएंगे, और 1 साल में होते हैं कितने महीने? 12 ये और 10 पहले से थे, तो 12 और 10 कितने हो जाएंगे? 22। और 22 में जब 2 का भाग देंगे तो 22 में जब 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 11 महीने। सही है। तो अपना जो आने वाले दोनों खिलाड़ियों की जो औसत आयु निकल के आई वो कितनी निकल आई? 21 साल 11 महीने। आशा करते हैं इस बात को भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। बताइए ये बात सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है या नहीं? वेरी गुड। और अगर हम यहाँ तक की बातों को समझ चुके हैं तो चाहिए मिलते हैं अपने एक और प्यारे से नेक्स्ट, मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िए, देखते हैं कोई क्वेश्चन में चेंज है या नहीं है। आपको ये भी पहचानना है क्वेश्चन में चेंज है या नहीं। आप देख रहे हो क्वेश्चन में चेंज हो गया क्या? बहुत छोटा सा चेंज है। अभी तक जो औसत आयु या वजन थी वो बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार क्या है, कह रहा औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है, तो आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? तो आपको तो वही लगाना है जो लगा रहे थे क्या? उसे बोला है कंपनी में 12 लोग हैं, उनका औसत वजन कह रहा 2 किलोग्राम कम हो जाता है। वेरी गुड, 2 किलोग्राम कह रहा कम हो जाता है, और उसमें कब कम होता है? जब कह रहा 34 किलोग्राम और 46 किलोग्राम के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आते हैं। तो पूछ रहा है आने वाले नए कर्मचारियों का कुल वजन क्या होगा। वो पूछ रहा है आने वालों का कुल वजन क्या होगा। अरे भाई, आने वालों का वजन क्या होगा ये तो बाद की बात है, पहले आप ये तो बताओ कि जाने वालों का कुल वजन क्या होगा।
पहले आप ये तो बताओ कि जाने वालों का कुल वजन क्या होगा, तो आप इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, 80 किलोग्राम, यही तो होगा। मतलब जो गए हैं वो 80 किलोग्राम के हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, जो आए होंगे उनका वजन इस 80 से कम होगा या ज्यादा? बताइएगा, जो आए होंगे उनका वजन इस 80 से कम होगा या ज्यादा? आप बोलोगे कम। क्यों? क्योंकि औसत वजन कम हो रहा है, इसलिए माइनस का चिन्ह। कितना कम होगा? जब एक व्यक्ति का वजन 2 किलोग्राम कम होता है, जब एक व्यक्ति का वजन 2 किलोग्राम कम होता है, तो हमारे व्यक्ति कितने हैं? 12। तो 12 कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। तो सही है, जब 80 में से ये 24 घटाएंगे तो, अच्छा बताओ 80 में से जब 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा? तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 56 किलोग्राम। आशा करते हैं कि यहाँ तक की आपके सभी बातें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आ चुकी होंगी, और आप भी बहुत स्पीड से इन प्रकार के क्वेश्चनों को आंसर बताने के लिए सक्षम हो चुके हैं। तो अगर आपको ये सभी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए आ रहा है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। क्या कह रहा था? कह रहा था एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। सतर्क रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी एकाग्रता भी जरूरी है। तो देखते हैं क्या है। उसे बोला एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने, बस ये महीना डिस्टर्ब कर सकता है लेकिन आपको नहीं करेगा। हमें पता है आप बिल्कुल सतर्क हैं इस समय। ये कब कम हो जाती है? जब कह रहा 17 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी रखे जाते हैं। कह रहा है 17 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए रखे जाते हैं। तो पूछा है आने वाले नए खिलाड़ियों की कुल आयु क्या है? पहले आप कुल आयु निकालो। उसे बोला है आने वाले नए खिलाड़ियों की कुल आयु क्या है? अरे आने वालों की कुल आयु तो बाद की बात है, आने वाले नए खिलाड़ियों की कुल आयु तो बाद की बात है। पहले आप ये तो बताओ कि जाने वाले दोनों खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी है? आप बोलोगे 37 साल, यही तो होगी। तो अच्छा एक बात बताओ, जो गए हैं वो 37 साल के हैं? थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो गए हैं वो 37 साल के हैं, तो जो आए होंगे बताइए उनकी आयु इस 37 से कम होगी या ज्यादा? बताइए जो आए होंगे उनकी आयु इस 37 से कम होगी या ज्यादा? आप बोलोगे कम। क्यों? क्योंकि ये घट रही है, इसलिए माइनस का चिन्ह। कितनी कम होगी? जब एक व्यक्ति की 2 महीने कम होती है तो 11 की कितनी हो जाएगी? 11 दूनी 22 महीने। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या इस 37 में से 22 महीने नहीं घटेंगे? इस साल में महीने नहीं घट सकते हैं, तो क्या करेंगे? इस 22 महीने को उस साल में बदल दो। कैसे बदलेंगे? आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 22 महीने को बताओ, लिख सकते हैं एक साल, तो एक साल में हो गए 12 महीने, 22 महीने 12 निकल गए, तो बचे कितने? 10 महीने, यही तो होगा। तो आ जाइए, हम क्या करेंगे 37 में से, अब देखना ये घटाते कैसे हैं। हमें विश्वास है कि आप सभी लोगों को ये बातें आती होंगी, लेकिन ये बात उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो ये कहीं ना कहीं इन बातों पे कंफ्यूज होते हैं। वो थोड़ा सा गौर सुनिएगा, हम इस साल में से महीने कैसे घटाएंगे? हम क्या करेंगे, पहले 37 में से ये पूरा एक साल घटा लेंगे। सुनिएगा, हम 37 में से पूरा एक साल घटाएंगे, तो 37 में से एक साल घटाओ कितना बचेगा? 36 साल। अभी सिर्फ आपने एक साल घटाया है, अभी 10 महीने घटाने बाकी है। 36 साल हमारे पास आ चुके हैं और 36 साल में हमें ये 10 महीने घटाने हैं, तो 36 से एक साल और कम कर देंगे तो आपके पास साल कितनी बचेंगी? 35 साल। और जो एक साल हमने निकाली है उसमें महीने थे 12, और उस 12 महीने में हमने ये 10 महीने और हटा दिए, तो 12 में 10 हटाएंगे कितना आएगा? 2 महीने। तो कहने का मतलब आने वाले दोनों नए खिलाड़ियों की जो कुल आयु होगी वो कितनी होगी? 35 साल 2 महीने। आशा करते हैं आप सभी का यही आंसर आया होगा। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, एक बात और पूछी उसने कि तथा औसत आयु क्या होगी? मतलब ये जो 2 नए आए हैं उनकी औसत आयु क्या होगी? आइए देखते हैं। हमें पता है औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्याओं की संख्या। कितने लोग हैं ये? तो आप बोलोगे लोग तो भैया 2 है, मतलब 35 साल 2 महीने में 2 का भाग देना है। देखते हैं भाग कैसे देंगे, सतर्कता से 2 का भाग दीजिए,
जब दो का भाग देंगे, दो एकम दो, एक बचेगी 15 हो जाएंगे, दो सत्ते 14। देखिए 17 बार पूरा गया तो 17 साल तो हो गए, लेकिन दो सत्ते 14 या एक साल बाकी रह गई थी। हम क्या करेंगे, इस एक साल को महीने के पास ले जाएंगे और एक साल में महीने होते हैं 12, तो 12 ये वाले और दो और थे तो 12 दो कितने हो गए 14, और 14 में जब दो का भाग देंगे तो 14 में जब दो का भाग देंगे कितना आ जाएगा 7 महीने। सही है। तो आने वाले दोनों खिलाड़ियों की जो औसत आयु होगी वो औसत आयु कितनी होगी 17 साल 7 महीने। आशा करते हैं आप सभी का यही आंसर आया था, यही बेसिक बातें थी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको हर एक पॉइंट, हर एक बात, हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको यहाँ तक की बातें अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हैं, तो इन बातों के साथ अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर हम एक व्यक्ति को हटा रहे थे तो एक को बुला रहे थे, इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे थे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने और देखते हैं क्या, जिसमें क्या करेंगे कि जाने वाले कुछ और होंगे और आने वाले कुछ और होंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता है। तो आइए मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन से, अपनी बेसिक नॉलेज पे एक बार और अच्छी तरीके से अभ्यास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट आपकी बेसिक नॉलेज पे एक बार अभ्यास करना था, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, बहुत ही प्यारा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। हमने आज बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखे हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन और लगा दिया गया है, और आशा करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप बड़े आसानी से लगा सकते होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहे कक्षा में 30 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष, कह रहे एक लड़के जिसकी आयु 20 वर्ष ने कक्षा छोड़ दी है और उसके स्थान पर दो और लड़के कक्षा में आ गए हैं जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु अब भी 15 वर्ष हो जाए तो आने वाले लड़कों में से छोटे लड़के की आयु क्या होगी। बेसिक क्वेश्चन है। हमको मालूम है क्या, हमको मालूम है कि औसत में संख्याओं का गुणा करने से क्या निकलता है, योगफल। आपको मालूम है कि औसत में संख्याओं का गुणा करने से क्या निकलता है, योगफल। उसे बोला है 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, और अगर 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 450 साल। यही तो होगी 450 साल, 30 लोगों की कुल आयु है 450 साल। उसमें से कह रहा है एक लड़का जिसकी आयु 20 साल थी उसने कक्षा ही छोड़ दी, तो 20 साल के लड़के को निकाल दो। तो अगर इसमें से 20 साल के लड़के को अगर हम निकालेंगे तो हमारी आयु कितनी बचेगी 430 साल, कितनी बचेगी 430 साल, और हमारे लोग कितने बचेंगे 30 से एक निकाले गया कितने बचे 29। मतलब अब इस समय हमारे पास 29 लोगों की कुल आयु कितनी है 430 साल। यहां तक किसी कोई समस्या, बहुत ही बेसिक सा प्यारा सा क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है एक तो गया लेकिन कह रहा है उसके स्थान पर दो आ गए, तो जब दो आ गए तो लोग अब इस बार कितने हो गए 31। कह रहा जब दो आ गए तो कह रहा कक्षा की औसत आयु अब भी 15 वर्ष ही है, तो भाई साहब 31 लोगों की औसत आयु अगर 15 वर्ष है तो इनकी कुल आयु निकाल लो, तो इनकी जब निकालेंगे 15 एकम 15 एक बची 15 3 45 और 1 46, मतलब 31 लोगों की कुल आयु आपकी है 465 और 29 लोगों की कुल आयु है 430। अच्छा एक बात बताओ, 31 की है 465, 29 की आयु है 430। अच्छा एक बात बताओ, अगर 31 में से 29 घटा दें, अगर 31 में से 29 घटा दें तो कितने बचेंगे, आप बोलोगे दो, कितने बचेंगे दो, और इन दो लोगों की जो कुल आयु होगी 465 में से 430 घटा दो तो इन दो लोगों की कुल आयु कितनी होगी 35 साल। मतलब जो दो नए लड़के आए हैं उन लड़कों की जो कुल आयु है वो कुल आयु कितनी है 35 साल। लेकिन क्वेश्चन के बीच में एक लाइन और दी है कि जो दो नए लड़के आए हैं उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, मतलब दो लड़कों की जो आयु है उनका योगफल है 35 और अंतर है 5। अच्छा बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, थोड़ा सा बताइएगा जल्दी सोचिएगा कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से आता हो 35 और उनका अंतर निकले 5। बताइएगा जोड़ने से आ जाए 35 और अंतर निकले 5 तो आपके दिमाग में आ गया होगा वो संख्याएं होंगी 20 और 15, होंगी या नहीं, क्योंकि 20 और 15 होते हैं 35 और 20 और 15 के बीच का अंतर भी होता है 5। मतलब बड़े लड़के की आयु हो गई 20 और छोटे लड़के की आयु हो गई 15। उसने किसकी आयु पूछी है, उसने पूछी है छोटे लड़के की आयु, तो छोटे लड़के की आयु आप क्या बोलने वाले हो 15 साल।
आशा करते हैं कि आप इस प्यारी सी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, और अगर किसी प्रकार की समस्या आई है तो एक बार और देखते हैं, जल्दी से देखिएगा। कह रहे 30 लोगों की औसत आयु 15 साल है तो कुल आयु कितनी हो गई 450। 20 साल का एक व्यक्ति चला गया तो कितनी बची 430। लोग कितने बचे 29। अब कह रहा दो व्यक्ति आ गए तो 31 लोग हो गए। कह रहा अब भी औसत आयु 15 साल है तो जब 31 लोगों की औसत आयु 15 साल है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 465। अगर 31 की आयु 465 है, 29 की आयु 430 है, अगर 31 में 29 घटाओ कितने बचेंगे 2, और इन दो लोगों की जो कुल आयु होगी इससे ये घटाओ तो कितना बचेगा 35 साल। मतलब जो दो लड़के आए थे उनकी कुल आयु है 35 साल और उन्हीं दोनों लड़कों के बीच का अंतर दिया था 5 साल। तो अच्छा बताओ ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से 35 और अंतर 5 हो? तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 20 और 15। बड़े वाले की हो गई 20, छोटे वाले की हो गई 15। उसने पूछा है छोटे वाले की आयु बताओ, तो छोटे वाले की आयु आप क्या बोलोगे 15 साल। आशा करते हैं यहां तक की हर एक बात, हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए हमारे और आपके आज के सफर का यहीं पर समय समाप्त होता हुआ, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं और इन क्वेश्चनों पे आपको और भी अच्छी तरीके से अभ्यास करना है तो क्वेश्चन पे अभ्यास करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन पे दिया जा रहा है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे हमारे आगे आने वाले सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके और आप इन क्लासों को पढ़कर अपनी कंप्लीशन की तैयारी को कंटिन्यू बना सकें। तो चलिए हमारी और आपकी अगली मुलाकात एक बार फिर से होगी नेक्स्ट डे एक नई उमंग और एक नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।